वेल गुड मॉर्निंग ऑल एंड आई होप आपको मेरा वॉइस और वीडियो क्लियर होगा ठीक है तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज है 22 फरवरी और हमारा सेशन शुरू हो गया है डेली करंट अफेयर्स सेशन का जिसमें हम डेली जो भी हमारे करंट अफेयर्स होते हैं उस रिलेटेड जो भी एम होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस करते हैं इन बाई लैंग्वेज सेशन ठीक है इसके अलावा गाइज हमने आप कल से मैंने आपको बोला था मैं आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन भी दूंगी जिसका आपको आंसर मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना है ठीक है तो आइए ज़रा देख लेते हैं हमारा कल का होमवर्क वाला क्वेश्चन क्या था और उसका आंसर क्या है और किस किसने इसके आंसर्स दिए हैं तो क्वेश्चन था हमारा मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश फाउंडेशन डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन डैश मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है ठीक है तो ये आ, हमारा क्वेश्चन था इसका आंसर जरा देख लेते हैं हम क्या था बीस इक्कीस बाईस तेईस या चौबीस फरवरी तो भैया हरीश सोनम सुरभि और एडम इनके आंसर्स आए थे ठीक है और आप भी अगर सेशन देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं तो आंसर करने की कोशिश किया करिए ठीक है थीके? ये भी पार्ट ऑफ सेशन है ड्रिल है जो कि आपको फॉलो करना चाहिए तो अगर हम बात करें हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं कौन से मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की तो ये अपना स्थापना दिवस मनाते हैं बीस फरवरी कब से नाइनटीन से अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसे लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहाता कहा जाता है उगते हुए सूरज की भूमि ठीक है इसके अलावा मिजोरम को डिक्लेयर uh, किया गया था सेपरेट यूटी कब 1972 में नॉर्थ ईस्ट एरिया रिकग्नेशन एक्ट 1971 के द्वारा और इसे तेईसवा स्टेट घोषित किया गया था भारत का फिफ्टी थर्ड एमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाइनटीन के द्वारा ठीक है तो ये आपकी इंफॉर्मेशन थी 20 फरवरी को मनाते हैं मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस तो so पहला क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन पढ़िए फटाफट से आंसर दीजिए सदानंद हरीश एंड रजत गुड मॉर्निंग चलो देखें क्वेश्चन क्या है हां जी तो क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन पढ़िए फटाक से आंसर दीजिए मुझे क्वेश्चन है आपका द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज अप्रूव द कंटिन्यूएशन ऑफ द राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान स्कीम टिल डैश विद एक्सपेंडिचर ऑफ ट्वेल्व नाइन टू नाइन पॉइंट करोड़ रुपीज ठीक है शिक्षा मंत्रालय ने ट्वेल्व नाइन टू नाइन पॉइंट वन सिक्स करोड़ रुपीस के व्यय के साथ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को डैश तक जारी रखने की मंजूरी दी है 31 दिसंबर दो हज़ार तेईस मार्च दो हज़ार चौबीस देन 31 दिसंबर दो हज़ार चौबीस दिसंबर दो हज़ार पच्चीस या फिर आपका 31 मार्च 2026 तो ये आपके कुछ ऑप्शन दिए हैं और आपको मुझे बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पे ठीक है और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की बात हो रही है ठीक है तो आओ उसके बारे में बात कर लेते हैं और ये कब लागू की गई थी इसके बारे में भी बात करेंगे तो आंसर्स आपके आ गए द राइट आंसर इज ई वाला 31 मार्च 2026 हजार इज द राइट आंसर आओ उसके बारे में बात करते हैं तो भैया हमारा शिक्षा मंत्रालय ने अप्रूव कर दिया है कि वो कंटिन्यू करेगा कौन सी वाली स्कीम उसकी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान कब तक 31 मार्च 2026 को और इसका जो कुल व्यय होगा एक्सपेंडिचर होगा कितना होगा ट्वेल्व नाइन माफ़ कीजिएगा ट्वेल्व नाइन टू नाइन पॉइंट वन सिक्स करोड़ रुपीज़ और इस पूरे एक्सपेंडिचर में से भी जो स्टेट का हिस्सा होगा वो कितना होगा एट वन टू जीरो पॉइंट नाइन सेवन माफ़ कीजिएगा सेंटर का हिस्सा एट वन टू जीरो पॉइंट नाइन सेवन होगा और स्टेट का हिस्सा होगा फोर एट जीरो एट पॉइंट वन नाइन करोड़ और ये जो नया स्कीम ये जो स्कीम है इसका जो नया चरण है इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा जो हमारी नई एजुकेशन नीति आई है उसके अंतर्गत ठीक है तो इकतीस मार्च दो हजार छब्बीस तक इसको कंटिन्यू किया जाएगा इस योजना की बात करें जाए इस योजना की आ, के जो नए चरण की अगर हम बात करें तो जो स्टेट गवर्नमेंट है जो राज्य सरकार है वो सपोर्ट करेंगी किसको इसको जे, जेंडर इंक्लूजन लैंगिक समावेशन इक्विटी इनिशिएटिव इक्विटी पहल को इन्हांस इंप्लॉयबिलिटी ठीक है थ्रू वोकेशनल एंड स्किल अपग्रेडेशन कोर्सेस ठीक है तो ये क्या करेंगे व्यवसायिक और कौशल उन्नयन के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देंगे ठीक है तो इस तरह के कोर्सेज भी चलाएंगे स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल कोर्सेज चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है ध्यान से पढ़ना जी अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखें ट्रांस यूनियन सिबिल लिमिटेड हैज पार्टनर्ड विद इजेशन टू लॉन्च अ नेशन वाइड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एजुकेशन टू सपोर्ट इंडिया commercial क्रेडिट information? ध्यान से पढ़ेंगे जरा इसको हम तो ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड ने क्रेडिट प्रबंधन सिविल रैंक और वाणिज्यिक क्रेडिट जानकारी के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए भारत भर में एमएसमी एमएसमी एमएसएमई ठीक है का समर्थन करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने के लिए किस संगठन के साथ भागीदारी की तो पूरा इंफॉर्मेशन यहां दे दिया बस आपको हमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है ठीक है तो फेडरेशन ऑफ इंडिया चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिकी जिसे आप कहते हो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री सी भारतीय उद्योग परिसंघ एनर्जी एंड रिसोर्स ऊर्जा और संसाधन संस्थान सेंटर फॉर साइंस एंड पर्यावरण केंद्र या फिर वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल विश्व हरित भवन परिषद तो देखिए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है द राइट आंसर इज बी वाला भाई बी वाला किसी ने लगाया है नहीं जी बी तो किसी ने नहीं लगाया तो आ, बी वाला आंसर दिया हुआ है इसका ठीक है आ, बी नहीं होना चाहिए इट शुड बी ए मुझे कहा डाउट था इसका ठीक है चलो द राइट आंसर इज ए वाला फिकी इज द राइट आंसर ठीक है चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में फिकी जो है फिकी ने लॉन्च किया है ये एम एस एम ई कंज्यूमर एजुकेशन प्रोग्राम किसके साथ सांठ घाट करके ट्रांस यूनियन सिविल के साथ ठीक है और ये जो एमएसएमई जिसका फुल फॉर्म क्या होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज ये एक तरह का कंज्यूमर एजुकेशन प्रोग्राम है जागरूक करने के लिए अपने कंज्यूमर को प्रोग्राम ठीक है ताकि वो सपोर्ट करें एमएसएम ई पूरे विश्व में पूरे भारत में ठीक है और वो उनको अवेयर कर सके जो क्रेडिट मैनेजमेंट है या सिविल रैंक है या कमर्शियल क्रेडिट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में इस प्रोग्राम के अंतर्गत ठीक है और ये जो प्रोग्राम है इसे कहाँ शुरू किया जाएगा महाराष्ट्र असम और त्रिपुरा में ठीक है फिकी की बात करें तो 1927 इसका आ, क्या है स्थापना वर्ष है मुख्यालय नई दिल्ली है प्रेसिडेंट है संजीव मेहता सेक्रेटरी हैं दिलीप चिन्हॉय और अरुण चावला डीजी बताया प्रेसिडेंट अलग है एसजी अलग है सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल अलग है और डीजी अलग है तीन अलग अलग इसके पद हैं चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टेरी यहाँ पे है ठीक है ना टेरी मुझे यहाँ याद आ रहा था तो 21वीं एडिशन है थर्टी ट्वेंटी फर्स्ट एडिशन ऑफ द टेरी एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट जिसे टेरी कहा जाता है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022 वाज़ हेल्ड वर्चुअली फ्रॉम सोलह से अट्ठारह फरवरी दो हज़ार बाईस वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ़ द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट दो हज़ार बाईस का इक्कीसवां संस्करण वस्तुता सोलह से अट्ठारह फरवरी दो हजार बाईस तक आयोजित किया गया था द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का मुख्यालय क्या है टेरी का मुख्यालय क्या है मुंबई नई दिल्ली हैदराबाद बेंगलुरु या पुणे ठीक है तो मीना गुड मॉर्निंग रजत सदानंद एंड हरीश आंसर आ गए हैं जरा एक बार चेक कर लें इसका आंसर टेरी का क्या पूछा गया है हेडक्वार्टर कहाँ है और इसका इक्कीसवा एडिशन जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है बाईस वाला वो सोलह से अट्ठारह के मध्य अभी किया गया है बात कर लेते हैं हां जी नई दिल्ली है ये बिल्कुल सही है ठीक है चलो बात करते हैं इसके बारे में तो टेरी द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हाल ही में 16 से 18 तक आयोजित की गई है इसमें जब आपके प्रधानमंत्री मोदी है इन्होंने इसका इनॉग्रल जो स्पीच होता है वो दिया है ठीक है इसके अलावा एनवायरमेंट मिनिस्टर एक देश जो हैं उनसे इसमें पार्टिसिपेट किया है ठीक है तो टेरी आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड आपका ये समिट है तो आपके जो भी एनवायरमेंट मिनिस्टर्स हैं एक सौ इकतीस देश के उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया इसके अलावा वेदांता ने प्लान किया है कि वो इन्वेस्ट करेगा कितना दो करोड़ अगले 5 से दस साल में ठीक है आर डी के लिए और सस्टेनेबल आर डी रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए सस्टेनेबल इनिशिएटिव के लिए ताकि प्रमोट किया जा सके क्या बनाने में सस्टेनेबल इकोसिस्टम सतत इको सिस्टम जिसको कहा जाता है थीम क्या था टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट प्लानट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर टेरी की अगर हम बात करें तो हेडक्वाटर तो आपको बता ही दिया नई दिल्ली है इसके डी जी का नाम है विभा धवन और इसकी स्थापना हुई थी नाइनटीन सेवेंटी फोर में ठीक है आगे बढ़े बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या है ठीक है तो वो सारे लोग जो अभी आए गुड मॉर्निंग एवरीवन और क्वेश्चन देखें जरा हमारा अगला क्या है और इसका आंसर ले लें आओ देखते हैं क्या है इसका आंसर फ्रांस एंड इट्स यूरोपियन पार्टनर्स द मिलिट्री विद्रॉल फ्रॉम विच कंट्री आफ्टर नियरली टेन इंग्रॉन so, है ना फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगियों ने घोषणा की है कि वे जिहादी विद्रोह से लड़ने के लगभग दस वर्षों के बाद किस के देश से सैन्य वापसी शुरू करेंगे नाइजीरिया सुदान इर, माली या येमिन तो भैया इतने दिन तक मिलिट्री एक्सपेडिशन चला रहे हैं पैसा भी लगता है तो काफी जो खर्चे हैं मिलिट्री खर्चे कम करने के लिए ये प्रस्ताव रखा गया है कि भैया मिलिट्री हला हटा ली जाए अभी हाल फिलहाल में आपने देखा यूएस ने हटाई मिलिट्री अफगानिस्तान से और कितना बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया है पूरे विश्व में ठीक है ना और अफगानिस्तान तो जानते ही हैं चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है तो द राइट आंसर इज डी वाला माली हाँ जी ये बिल्कुल सही है माली ही इसका सही आंसर है तो पिछले दस वर्षों से माली में इन्होंने मिलिट्री लगा रखी थी ठीक है और फाइनली इन्होंने जो कि जिहादिस इंसर्जेंसी से लड़ रहा था और फाइनली अगर इसकी बात करें तो इसको हटाने की बात हो रही है ठीक है तो 2013 में फ्रां होलांडे जो थे वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उनके आ, ने, आ, क्या कहते हैं नेतृत्व में ये आपका जिहादिस से लड़ने के लिए ये जो ट्रुप्स हैं वो आ, क्या किए गए थे डिप्लॉय किए गए थे ये, ये मिलिट्री लगाई गई थी ठीक थी? है इसके अलावा अब ये जो मिलिट्री ऑपरेशन है ये माली से नाइजर को शिफ्ट कर दिया जाएगा माली में हो गया काम अब हमारा अब हम नाइजर जा रहे हैं वहां अपनी मिलिट्री लगाएंगे ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन तो देखें क्या लिखा है फटाफट देखो जरा क्वेश्चन क्या है हाँ जी टाटा पावर टाटा पावर टाटा का नाम के एकदम पॉजिटिविटी आ जाती है ना रतन टाटा सर चलिए बात करते हैं तो टाटा पावर हैज कोलाबोरेटेड विद विच कंट्री बेस आर डब्ल्यू ई रिन्यूएबल जी एम बी एच टू एक्सप्लोर पोटेंशियल फॉर ज्वाइंट डेवलपमेंट ऑफ ऑफ श्योर विन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया टाटा पावर ने भारत में अपटीय पवन परियोजनाओं के संयुक्त विकास की भावनाओं का पता लगाने के लिए किस देश स्थित आर डब्ल्यू ई अक्षय जो जी एम बी एच के साथ सहयोग किया है रशिया यूके जर्मनी फ्रांस इटली तो सारी ही बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जिनके साथ भारत ने रीन्यूएबल एनर्जी में कुछ ना कुछ किया हुआ है ठीक है फिलहाल यहाँ पे यहाँ बात हो रहा है ये रीन्यूएबल जी एम बी एच जो है कौन सी कंट्री का है जिसके साथ टाटा पावर ने कोलाबोरेट किया है ठीक है तो देखें जरा क्या लगाया है भाई सब ने यस जर्मनी इज द राइट आंसर और इसके बारे में बात करें तो भाई टाटा पावर ने बता ही दिया जर्मनी की जो आर डब्ल्यू ई रिन्यूएबल जी एम बी एच नाम से ही पता चल रहा था आगे जी लगा हुआ है तो ठीक है ये जॉइंट वेंचर क्या किया इस पे है इस पर हस्ताक्षर किए हैं किस लिए ऑफ विंड प्रोजेक्ट इन इंडिया ठीक है तो आपका जो विंड एनर्जी है उससे संबंधित ये प्रोजेक्ट है इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो आपका आ, करार हुआ है टाटा और यह जो जर्मन कंपनी है उसके मध्य ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था कि वो थर्टी गीगा करेगा ऑफशोर विंड इंस्टॉलेशन कर देगा 2030 में उसमें एक बहुत बड़ा योगदान निभाएगा ठीक है तो यानी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट है कि 30 गीगावाट एनर्जी वो प्रोड्यूस करेगा दो uh, हजार तक ऑफशोर विंड इंस्टॉलेशन ठीक है चलो कर लेगा वो 2030 तक चलो अगला क्वेश्चन आया अगला क्वेश्चन जी हाँ आ गया है जरा देखो क्या है तो गाय कल दादा साहब फालके अवार्ड अनाउंसमेंट किया गया अभी हम डिस्कस करेंगे हमारे सेशन में तो बने रहिएगा सेशन के साथ है ना इंपॉर्टेंट अवार्ड होते हैं अभी हम उसके बारे में बात करेंगे फिलहाल लिस्ट हमने कल ही आप लोगों के लिए डाल दी थी इसके अलावा छोटे छोटे वीडियोस भी मैं डालते रहती हूँ तो थोड़ा उसका अभी पार्ट बनिए इंपॉर्टेंट रहता है ठीक है चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ठीक है बड़ौदा पंजाब नेशनल बैंक 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 यूनियन ऑफ ऑफ इंडिया केनरा महाराष्ट्र ने अनाउंस किया है हैव इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी द पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मैक्सिमम ऑफ कितना विद प्राइवेट सेक्टर लेंडेस बड़ा क्वेश्चन है ध्यान से पढ़ेंगे थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा पंजाब पंजाब नेशनल बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने और केनरा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड आई के शेयरों की सदस्यता की घोषणा की है ठीक है कितना कितना शेयर uh, है इनका सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और सार्वजनिक वित्तीय संस्थान आई में अधिकतम कितने हिस्सेदारी रखेंगे और शेष निजी के ऋणदाताओं के पास होंगे फोर्टी फाइव 50, 51 या 55 तो हरीश रजत सदानंद शुभम चलो देखें जरा क्या राइट आंसर, आंसर इज इस... आ, हाँ फोर्टी नाइन परसेंट इज द राइट आंसर बिल्कुल सही आओ बात कर लेते हैं इसके बारे में तो भैया ये जो बैंक हैं नाम ले लूँ क्या एस बी आई बॉब पी एन बी यू बी आई बॉब और बैंक ऑफ महाराष्ट्र नॉट बॉ इसको बॉम कहेंगे ना केनरा बैंक ने अक्वायर किया है स्टेक इसमें आई डी आर सी एल में ठीक है इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये मैक्सिमम कितना होल्ड करेंगे फोर्टी नाइन परसेंट होल्ड करेंगे इस संस्थान में ठीक है और बाकी का जो बचा होगा वो प्राइवेट सेक्टर होल्ड करेगा इसके अलावा ये जो इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर बैंक है ये मेंटेन करेंगे 51% परसेंट ओनरशिप किसमें एन ए आर सी एल एन ए आर सी एल जानते हो ना नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और बाकी प्राइवेट सेक्टर के पास जाएगा ठीक है इसके अलावा आज जो बात करते हैं अगर हम बैंक्स की और बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका स्थापना वर्ष फर्स्ट जुलाई 1955 है इतना ओ आई होप दिख रहा होगा सबको पता है मुंबई हेडक्वार्टर चेयरमैन दिनेश कुमार खार है अच्छा एसबीआई में जो एम हैं ये कई बार हम लोग क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं और अब एम जरा सुन लो कौन कौन है अश्वनी भाटिया सी शेट्टी स्वामीनाथन जानकी रमण अश्वनी कुमार तिवारी ठीक है तो ये एमडीज है मैनेजिंग डायरेक्टर्स है किसके एस के चलो आगे बात करते हैं ठीक है तो मैंने आपको बता दिया फोर्टी नाइन परसेंट आई डी आर सी एल में होल्ड करेंगे और आपका फिफ्टी वन परसेंट किसमें एन ए आर सी एल में होल्ड करेंगे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन ओलंपिक्स की बात हो रही है भाई तो अभी बीजिंग में ओलंपिक्स होंगे आप जानते हैं है ना फिलहाल हम इस क्वेश्चन को पढ़े जरा देखो जरा क्या लिखा हुआ है तो भाई क्वेश्चन है इंटरनेशनल द फॉलोइंग एज एट शेयर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग ने निम्नलिखित में से किसे अपना अध्यक्ष चुना है मिशाल ली पीवी सिंधु सारा वॉकर्स मिन यू एमा टेरो ठीक है और बीच बीच में अपना सेशन जरूर लाइव करते रहिएगा और ज़रा इनके बारे में बात करें तो पीवी सिंधु सारा वॉकर्स योंग मीन यू आ, एमा आर सबसे पहला मिशेल ली भी है ठीक है आओ देखें आंसर्स आ गए हैं क्या लगाए हो भाई हाँ जी बिल्कुल सही ई वाला एमा आर इज द राइट आंसर इनके बारे में बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ठीक है तो भैया जो आईओसी है इन्होंने रीअलेक्ट किया है पहली बात तो ये जानो दोबारा से अपॉइंट किया है किसको एमा टुरोहू टेराहू को अपना चेयर ठीक है इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो टेबल टेनिस प्लेयर हैं कौन सियॉन्ग मिन र्यू जिनको बनाया गया क्या वाइस चेयर वाइस प्रेसिडेंट जिसको कह देंगे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ठीक है तो अगर हम बात करें एमा टेरोहू की तो ये फिनलैंड की है आइस हॉकी प्लेयर हैं ठीक है आई होप दिख रहा है आइस हॉकी प्लेयर है और फिनलैंड की है और सियग म्यू सियग मिन्रयू वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया के हैं ठीक है टेबल टेनिस प्लेयर है और इन्हें वाइस चेयर बनाया गया है इसके अलावा एक अपॉइंटमेंट तो ये कर लिया इन्होंने उसके बाद अगला इन्होंने क्या किया इन्होंने इलेक्ट किया है साइक्लिस्ट कौन साइक्लिस्ट सारा वॉकर को जो कि न्यूजीलैंड की, की हैं अपना सेकेंड वी पहला वी आपके कौन है सियोंग मिन र्यू और दूसरे वी कौन है आपकी सारा वॉकर ठीक है इसके अलावा आई की बात करें तो 1894 में स्थापना हुई थी प्रेसिडेंट थॉमस बैक हैं और हेडक्वार्टर ल्यूसियाना है स्विट्जरलैंड है ठीक है आओ आगे चलते हैं सारा की अगर हम बात करें माफ कीजिएगा एमा टेरोहो जो है ये पांच बार ओलंपिक ओलंपियन है फाइव टाइम ओलंपियन है और फॉर्मर कैप्टन है फिनलैंड की आइस हॉकी टीम की और इस कमीशन को ये हेड करेंगी कब तक ओलंपिक गेम्स जो पेरिस फ्रांस पेरिस में होने वाले हैं 2024 तक ठीक है और ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से तो भैया देखें जरा अगला क्वेश्चन क्या आ गया है झटपट से पढ़ लो और आंसर दे दो मुझे अरे वाह शुभम ने आंसर भी कर दिया पढ़े तो पहले क्वेश्चन हम तो हु अवारेड द इंडिया मोस्ट डिपेंडेबल पब्लिक सेक्टर कंपनी अवार्ड बाय इंडस्ट्री चेंबर एसोसिए इन कोलकाता तो कोलकाता में उद्यम मंडल एस द्वारा भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है ओ एन जी सी सेल सी आई एल एन टी पी सी या बी एच ई एल अच्छा इनके देखो हम पूरा फुल फॉर्म भी लिखते हैं ठीक है तो ये भी ध्यान रखा करो कि इसका क्या फुल फॉर्म है ठीक है कभी कभी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और हमारा क्या हाथ से निकल जाते हैं है ना चलो पढ़ दें जरा हम इसके इसका आंसर जरा दे दें आपको यस सी आई एल कोल इंडिया लिमिटेड चले इसके बारे में बात कर लेते हैं क्या लिखा है तो भैया कोल इंडिया लिमिटेड ने जीता है मोस्ट डिपेंडेबल पब्लिक सेक्टर इन इंडिया का अवार्ड ठीक है और अगर हम बात करें तो सी ने ये जो ऑनर है ये कहाँ जीता है एनर्जी मीट एक्सेलेंस अवार्ड फंक्शन जो कि किसने ऑर्गेनाइज किया एसोचैम ने ऑर्गेनाइज किया था कहाँ पे कोलकाता में ठीक है इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कोल कौन है कोल माइंस एंड रेलवे कौन है श्री राव साहेब पाटिल दानवे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और कोल इंडिया तो आप जानते हैं एक महारत्न कंपनी है चलिए अगला क्वेश्चन आ गया दादा साहब फालके अब जरा फटाफट से मुझे बता दो लिस्ट किसको क्या मिला है जी है ना एंड वेरी इंपॉर्टेंट तो दादा साहब फालके की अवार्ड की बात करें तो आप जानते हैं दादा साहब को सम्मानित करते हुए 1969 में दादा साहब फाल्के का Uh, को इस्टब्लिश किया गया था ये अवार्ड को पहला अवार्ड देविका रानी को दिया गया था ठीक है तो इसके तहत एक गोल्डन लोटस क्या कहते हैं uh, दिया जाता है एज अ सिंबल एक लाख का uh, इनाम होता है और एक शॉल दी जाती है दादा साहब फालके के तहत ठीक है थीके? चलो देखते हैं जरा किसको क्या मिला पूछा क्या है वैसे इन्होंने विच एक्टर हैज वॉन द बेस्ट मेल एक्टर एट दादा साहब फालके इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स तो किसे बेस्ट मेल एक्टर मिला है सिद्धार्थ मल्होत्रा रणवीर सिंह अक्षय कुमार विक्रांत मसे के के मैनन सबको जानते ही आप लोग जी तो आओ देख लें जरा हाँ जी रणवीर सिंह को मिला है उनकी मूवी एटी थ्री के लिए जो कि कपिल देव पे आधारित है ठीक है आओ बात कर लेते हैं तो बीस फरवरी को मुंबई में आयोजित किया गया ये समारोह और इस हमारा जो 75 इंडिपेंडेंस जो ईयर हम मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं ठीक है तो उसको भी इसमें आगे शामिल किया गया है आगे अगर हम बात करें ठीक है तो एक अवार्ड और देख लेते हैं ज़रा उसके बाद हम पूरा एक साथ डिस्कस करेंगे ठीक है चलो देखो क्या लिखा है तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड विच मूवी हैज़ वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार ये तो भैया सबको पता है छाई हुई है पिक्चर है ना छपाक पुष्पा द राइज है ना शेरशाह एटी थ्री मिमी है ना तो मीना शुभम हरीश सदानंद रजत ठीक है वेरी गुड चलो देख लेते हैं तो आलू अर्जुन की मूवी है ये आपकी पूरा मतलब एकदम सारे लॉज वॉज आई न्यूटन के और ग्रेविटी के सब कुछ तो <laughs> क्या कहते हैं पछाड़ दिया इस मूवी ने है ना पुष्पा द राइस चलो आगे आगे बढ़ते हैं ठीक है तो भैया ये आपका लिस्ट है मैं एक दो पढ़ देती हूँ ऊपर से स्टार्टिंग के ठीक है जो कि इंपॉर्टेंट है बाकी आप इसको बाद में पढ़ लीजिएगा ठीक है लिस्ट हमने चैनल पर भी डाल दी है तो भैया फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है पुष्पा द राइस ठीक है बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है शेरशाह को ठीक है ये ध्यान रखना दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है रणवीर सिंह एटी थ्री को बेस्ट एक्ट्रेस मिला कीर्ति सनन मिमी के लिए आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्री कॉन्ट्रीब्यूशन टू फिल्म आशा पारेख जी को मिला है ठीक है क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है सिद्धार्थ मल्होत्रा और क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है कियारा आरा अडवाणी को ठीक है इसके अलावा ये कुछ और आपके ये क्या कहते हैं पूरी लिस्ट दी गई है मैं पढ़ नहीं रही हूं ठीक है तो ये बाद में आप देख लीजिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं या स्क्रीनशॉट ले लो बाद में पढ़ लेना ठीक है पीडीएफ में मिल जाएगा चलो तो ये मेन मेन जो थे आपके मैंने आपको बता दिए हैं ठीक है सपोर्टिंग एक्टर सतीश कौशिक कागज के लिए चलो अगला क्वेश्चन एग्जैक्टली <laughs> <Exactly. laughs> चलो Which company has joined CMEWE six undersea cable consortium to scale up high speed network capacity to serve India's fastest growing digital economy? Hindi में ट्रांसलेट करके मतलब पिक्चर को बर्बाद कर दिया था है ना <laughs> चलो देखते हैं जरा इस क्वेश्चन का हिंदी में भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है तो भारत की तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था की सेवा के लिए हाई स्पीड नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए कौन सी कंपनी सी एम ई डब्ल्यू ई सिक्स केबल कंसोर्टियम में शामिल हुई है वी आई वोडाफोन आइडिया को वी आई कहा जाता है रिलायंस जियो बी एस एन एल स्काई रूट एयर स्पेस एयरटेल देन है स्काई रूट एयर स्पेस और लास्ट है आपका एयरटेल बीच बीच में लाइव जरूर कर लेना हो सकता है आप लोग पीछे हो जाए ठीक है आओ देखें जरा तो भैया क्या लिखा है इस क्वेश्चन का राइट right आंसर देख लेते हैं क्या है द राइट आंसर इज ई वाला इट्स एयरटेल एयरटेल इसका सही उत्तर है आओ बात करते हैं इसके बारे में तो एयरटेल ने ज्वाइन किया है सी सी एम ई डब्लू ई सिक्स अंडर सी केबल कंसोर्टियम है ठीक है एक समूह है जो कि क्या करेगा हाई स्पीड नेटवर्क को बढ़ावा देगा ताकि भारत की जो ग्रोइंग फास्ट डिजिट फास्टर डिजिटल इकोनॉमी है इसको और प्रोत्साहित किया जा सके ठीक है अगर हम बात करें भारतीय एयरटेल की तो इसका स्थापना वर्ष है नाइनटीन नाइनटी फाइव हेडक्वार्टर नई दिल्ली है चेयरमैन सुनील भारती हैं और एमडी और सीईओ हैं मित्तल गोपाल गोपाल मित्तल विट्टल ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं गुड मॉर्निंग शिवम चलो आओ हम एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं रजत एक सेकेंड हम चेक कर लेते हैं क्या बोल रहे हैं रजत हाँ जी द राइट आंसर इज शेर शाह ठीक है हम जरा ज्यादा ही पुष्पा के क्रेज में अभी भी फंसे हुए हैं ना बेस्ट फिल्म अवार्ड फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड पुष्पा को दिया गया है ठीक है ना चलो आ जाओ और यहां बता भी रहे हैं मुंह से बोल भी रहे हैं शेर शाह बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर ठीक है लेकिन पुष्पा दिमाग में चढ़ी हुई है, है ना <laughs> हाँ जी हां जी थैंक यू सो मच आ, हरीश एंड रजत आओ अगला क्वेश्चन अरे अगला क्वेश्चन तो बता दें आपको हम कहा गया भैया हां देखो जरा शेरशाह बिल्कुल सही आंसर है उसका फिल्म ऑफ द ईयर इज पुष्पा देखो देखो क्या लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन आ गया है सोइल हेल्थ कार्ड डे भारत हर साल कब मनाता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 18, उन्नीस बीस इक्कीस बाईस एग्जैक्टली है ना मतलब अगर क्वेश्चन है तो आंसर में हमार हम ही होने चाहिए है ना अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस चलो देखें जरा आ, जरा आते हैं बाहर और देखते हैं हेल्थ कार्ड मृदा दिवस स्वास्थ्य कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ये इसके बारे में बात करते हैं बी इज द राइट आंसर एक सेकेंड हाँ जी बीस का सही उत्तर है यानी उन्नीस फरवरी ठीक है कहा गया भाई हाँ जी उन्नीस फरवरी को हम सोइल हेल्थ कार्ड डे या मृदा हेल्थ कार्ड दिवस के रूप में मनाते हैं हर साल इसे उन्नीस फरवरी को मनाया जाता है और इसे मनाया जाता है लॉन्च सोइल्थ हेल्थ कार्ड स्कीम के और अवेयरनेस क्र, क्रिएट करने के लिए इसके बेनिफिट्स के अगर हम बात करें तो जो सोयल हेल्थ कार्ड की स्कीम है आपकी 19 फरवरी को लॉन्च की गई थी ठीक है और 2022 में सात साल हो गए हैं इसको इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो मोदी जी ने ये स्कीम लॉन्च की थी 19 फरवरी 2015 को कहां से सूरतगढ़ राजस्थान से तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कहां से इसको लॉन्च किया था सूरतगढ़ राजस्थान से मोदी जी ने पंद्रह में चलो अगला क्वेश्चन आओ देखें जरा क्या है बुक है आपकी अगली तो बुक्स नोट करते रहा करो डेली बेसिस पे जहां भी है चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर द बुक टाइटल द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपाल एंड द ऑन्टरप्रिनोर्स हु शेप्ड सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किसने द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपाल एंड द कहा गया ऑन्टरप्रेनोर्स हु शेप्ड सिलिकॉन वैली नामक पुस्तक ली किरण बेदी आकाश कंसल सिमी सोनी जय जय साई दीपक या नवदीप सिंह गिल आओ देखते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं वॉट इज द राइट आंसर ठीक है ओहो बता तो दू आप लोगों को मैं क्या है राइट आंसर द राइट आंसर इज आपका सी वाला जिमी सोनी ठीक है सी जिमी सोनी आओ बात करते हैं इसके बारे में तो जिमी सोनी की बुक है ये द फाउंडर्स स्टोरी ऑफ पेपाल एंड द दिन शेप सिलिकॉन वैली नाम से ही पता चल रहा है बुक में होगा क्या पह, पहले जान लो 24 फरवरी 2022 को इसको रिलीज किया जाएगा ठीक है तो इसमें बताया गया है जो मल्टीनेशनल डिजिटल पेमेंट कंपनी है कौन सी आपकी पेपाल किस तरह से उसने अपनी जर्नी एज अ स्टार्टअप स्टार्ट की थी और किस तरीके से आज वो सत्तर बिलियन uh, uh, की कंपनी बन गई है ठीक है और इसमें की अगर हम बात करें तो इसमें एलन मस्क पीटर थेल और रेड हॉफमैन का भी क्या जिक्र किया है इस uh, इस बुक में अगला क्वेश्चन एक और बुक है बुक का नाम क्या अ नेशन टू प्रोटेक्ट हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल अ नेशन टू प्रोटेक्ट रमेश थमिलमणि प्रियम गांधी मोदी रमेश कांडुला रोहन जे अलवा अश्विनी भटनागर तो नेशन टू प्रोटेक्ट इस बुक के लेखक कौन है जी हां शिवम देखिए बिल्कुल देखिए हिंदी वर्जन मजा नहीं आया <laughs> चलो देखते हैं द राइट आंसर इज बी वाला प्रियम गांधी मोदी ठीक है तो भाई बुक भी कुछ उन्हीं के ऊपर है आपकी प्रीएम गांधी मोदी ने बुक लिखी है नेशन टू प्रोटेक्ट ये मोदी जी के ऊपर ये कुछ बुक आपकी इसको लॉन्च किसने किया है हेल्थ मिनिस्टर मानसुख मांडविया ने और ये हाईलाइट करेगा किस तरह से क्या योगदान रहा है मोदी जी का पिछले दो वर्षों में कोविड से लड़ने में ठीक है और किस तरह से वो एक लीडर के रूप में उभर के आगे आए हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो प्रियम मोदी की बुक है ये अ नेशन टू प्रोटेक्ट अगला क्वेश्चन इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाते हैं हम अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष की तिथि को मनाया जाता है बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस इंपॉर्टेंट डे है ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट डे तो जरा ध्यान दीजिएगा इस पर द राइट आंसर इज द राइट आंसर इज 21 फरवरी बी वाला ठीक है मदर लैंग्वेज डे आओ आगे बात करते हैं इसके बारे में तो मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है 21 तारीख को नाम से ही पता चलता है कि इस दिन को इस, इसका उद्देश्य क्या है ठीक है अवेयरनेस क्रिएट करना लिंग्विस्टिक और कल्चरल डाइवर्सिटी ताकि प्रमोट किया जा सके मल्टीलिंग्वेजिज्म ठीक है इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसे यूनेस्को कहते हो ठीक है उसने 1999 में क्या किया था प्रोक्लेम किया था या फर्स्ट टाइम इसकी बात की थी 1999 में मनाया गया था 21 फरवरी को ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं इस वर्ष का थीम देख लो भाई क्या है यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंग लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज बांग्लादेश ने इसकी पहल की थी ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं बांग्लादेश ने इसकी पहल की थी 2002 में एक रेजोल्यूशन लाया गया था ठीक है बांग्लादेश की पहल के बाद चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन रवीश त्रिपाठी चलो देख लेते हैं कौन है काफी फेमस नाम है रवीश त्रिपाठी हां जी कौन है जी पॉलिटिशियन एक्टर्स क्लासिकल सिंगर एनवायरमेंटलिस्ट या जर्नलिस्ट राजनीतिक अभिनेता शास्त्रीय गायक पर्यावरणवादी पत्रकार तो रवीश त्रिपाठी कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है आओ देखते हैं तो ही वॉज अ जर्नलिस्ट ठीक है जर्नलिस्ट थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है तो ईटी e. के uh, जर्नलिस्ट okay, थे रेपुटेटेड रिपोर्टर एडिटर थे जो हाल ही में जिनका निधन हुआ है नेशनल ब्यूरो चीफ थे किसके इंडियन एक्सप्रेस के ठीक uh, है और सीनियर असिस्टेंट एडिटर थे इकोनॉमिक टाइम्स के ईटी जिसका नाम है असोसिएट एडिटर रह चुके हैं इंडिया टुडे के सीनियर असिस्टेंट एडिटर रह चुके इंडियन एक्सप्रेस के तो जर्नलिस्ट हैं अलग अलग न्यूज़पेपर्स या जो प्रिंट मीडिया है या डिजिटल मीडिया है उससे जुड़े रहे हैं इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया था आईआईटी मुंबई से और मास्टर्स किया था यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन एक और डेथ है ठीक है और कई बार बताया है अवार्ड्स अगर रिलेटेड होता है तो कई पद्म अवॉर्डीज़ की अभी हाल में मृत्यु हुई है तो ये नोट करते जाओ ठीक है कौन कौन है ये और इस क्वेश्चन को पढ़ लें ज़रा तो शुभम हरीश रजत मीना सदानंद शिवम ठीक है चलो देखते हैं जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है पद्मश्री अवार्डी शकुंतला चौधरी पास्ट अवे रिसेंटली कौन है वो तो पद्मश्री से सम्मानित शकुंतला चौधरी का हाल ही में निधन हो गया वो कौन थी लिटरेचर साहित्यकार और जर्नलिस्ट पत्रकार सोशल वर्कर सामाजिक कार्यकर्ता एडिटर संपादक या सारी उपरोक्त सभी तो भाई इसके बारे में बात कर लेते हैं शी वॉज सोशल वर्कर और इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था जरा एक बार चेक कर लें। जी हाँ तो गांधी लीडर गांधी फिलोसफी को मानती थी और सोशल uh, वर्कर थी सामाजिक कार्यकर्ता थी शकुंतला देवी जी जिनका हाल ही में निधन हो गया इन्हें पद्मश्री मिला है ठीक है uh, और अगर हम इनकी बात करें तो uh, शकुन uh, ये असम से हैं शकुंतला देवी गुवाहाटी में इनका निधन हो गया है ठीक है और महिलाओं के वेलफेयर और उत्थान के लिए काफी इन्होंने काम किया है ठीक है और इन्होंने कस्तूरबा गांधी आश्रम 1947 में काफी अपना समय बिताया है इन्हें नेशनल अवार्ड फॉर सीनियर सिटीजन 2021 से भी सम्मानित किया व्यवस्थ जो एल्डरली पीपल होते हैं उनसे रिलेटेड जो आपका का 2021 वाला अवार्ड है उससे सम्मानित भी किया गया है चलो तो गाइज हमारा होमवर्क वाला, वाला क्वेश्चन ठीक है तो हम हमेशा होमवर्क का क्वेश्चन पहले देते थे थोड़ा बीच में पॉज लिया था फिर से स्टार्ट कर दिया है क्वेश्चन पढ़ के इसका आंसर देना है बट आफ्टर द सेशन इज ओवर ठीक है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा अभी नहीं तो जरा क्वेश्चन पढ़ दें और ये भी हिस्सा है आपके इस सेशन uh, का तो इसका भी हिस्सा बनिए विच इंडियन सिटी हैज़बिन ऑफिशियली इलेक्टेड एज अ होस्ट फॉर द ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन 2023 अंतरराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र के लिए किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर मेजबान के रूप में चुना गया मुंबई नई दिल्ली हैदराबाद बेंगलुरु या पुणे ठीक है तो शुभम हम बाद में आंसर अभी कर, जैसी सेशन खत्म होता है वीडियो दोबारा से खोलो उसके बाद आंसर करो ठीक है गाइस तो दिस वॉज द सेशन ठीक है आई होप आपको अच्छा लगा होगा फटाक से लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए वीडियो को और हमारी वेबसाइट टेस्ट डॉट एमबीश बाबा डॉट कॉम से जुड़ना मत भूलिएगा मुझसे मिल, आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से और हमें हम आपको पी भी प्रोवाइड करते हैं नेम जरा टाइप करिए टेलीग्राम पर टी डेली बेसिस वहाँ पे वहां पर आपको दिया जाता है ठीक है और अब हम मिलेंगे हमारे कल के सेशन में कितने बजे आठ बजे तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए एंड थैंक यू हरी सदानंद शुभम ठीक है अपना ख्याल रखिए अपने परिजन